So guys, so today in this video we will review on BBIT Bajbaj Institute of Technology. So introduction से start करेंगे, उसके बाद college का पूरा infrastructure देखेंगे, college में क्या-क्या affiliation है वो देखेंगे, college में क्या-क्या courses work करता है वो देखेंगे, हर एक course में कितने branch और intake capacity है वो देखेंगे, हर एक course का eligibility criteria and fee structure क्या है वो देखेंगे, last most important placement record कैसा है इस college का वो देखेंगे and last में WBJEE and GLET 2021 का कट ऑफ कितना गया था वो देखेंगे, ठीक है। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, वीडियो लास्ट तक देखना। अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए सोच रहे हो तो मुझे आप व्हाट्सएप पर डायरेक्ट डीएम कर सकते हो, मैं आपको बिल्कुल हेल्प करूंगा, ठीक है। सो अगर आप किसी भी कॉलेज में ऐसा ही रिव्यू चाहते हो तो नीचे कमेंट से कमेंट करना, जिस कमेंट में ज्यादा लाइक आएगा उस कॉलेज को मैं रिव्यू बनाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अगर मेरा कॉलेज रिव्यू वीडियो आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक करके जाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो बीबीआईटी, दिस मींस बजबज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इज वन ऑफ द बेस्ट प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज इन वेस्ट बंगाल, व्हिच इज लोकेटेड इन बजबज, कोलकाता साउथ 24 परगनास इन वेस्ट बंगाल। मेनली बीबीआईटी तीन चीज में फेमस है। फर्स्ट है इसका ह्यूज कैंपस, बहुत बड़ा एक ब्यूटीफुल इंफ्रास्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। सेकेंड, स्टूडेंट लाइफ, एक एडवांस लैब, लाइब्रेरी एंड बहुत बड़ा प्लेग्राउंड एंड उसके साथ साथ स्विमिंग पूल एंड जिम फैसिलिटीज आपको देखने को मिलेगा, तो स्टूडेंट लाइफ आपको बहुत ही अच्छा कटेगा। थर्ड, ऑनेस्टली आप लोगों को बहुत ही हेल्पफुल फैकल्टी देखने को मिलेगा एंड कोई भी हिडन चार्जेस इस कॉलेज में नहीं है, ठीक है। तो अभी बात करते हैं इस कॉलेज का होल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। तो टोटल 66 क्लासरूम आप लोगों को देखने को मिलेगा, 15 ई क्लासरूम देखने को मिलेगा, 42,807 बुक्स देखने को मिलेगा लाइब्रेरी में, वर्कशॉप भी देखने को मिलेगा एंड टोटल 350 कंप्यूटर्स देखने को मिलेगा इस कॉलेज में। इंडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटी एंड आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटी भी देखने को मिलेगा। 800 सीट्स है बॉयज हॉस्टल में एंड 300 सीट है गर्ल्स हॉस्टल में। टोटल 5 बॉयज कॉमन रूम एंड 2 गर्ल्स कॉमन रूम आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही बढ़िया आप लोग देख सकते हो। ऊपर से आप अगर देखते हो तो बहुत बड़ा कैंपस है, बहुत ही ब्यूटीफुल कैंपस है। इसको अभी अपडेट किया गया है, आप अगर जाते हो उस कॉलेज में तो देखने को आप लोग मिलेगा। अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन लेने चाहते हो तो ये रहा एडमिशन फॉर्म लिंक जो नीचे दिया गया है, आप लोग जाके उस एडमिशन फॉर्म को फिलअप करो, आपको एज सुन एज पॉसिबल कॉलेज से फोन किया जाएगा एंड एडमिशन रिलेटेड जो भी क्वेरी होगा आप लोग उसमें पूछ सकते हो, ठीक है। और इस नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हो एडमिशन के लिए। तो एक बार आप पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर देख लो उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ओके। कॉलेज में क्या क्या एफिलिएशन है वो देख लेते हैं। तो दिस कॉलेज एक्रेडिटेशन विद NBA नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन। सेकंड, दिस कॉलेज एक्रेडिटेशन विद NAC नेशनल एसेसमेंट एक्रेडिटेशन काउंसिल B+ इस कॉलेज में मिला है। बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर लैब फैसिलिटी है इसीलिए B+ मिला है। ऑल्सो दिस कॉलेज रिकॉग्नाइज्ड बाय UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, अप्रूव्ड बाय AICTE ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, एफिलिएटेड टू मकाउट मौलाना अबुल कलाम आजाद यूनिवर्सिटी, लास्ट एफिलिएटेड बाय वेस्ट बंगाल स्टेट काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। ओके, सो ये डिप्लोमा के लिए होता है। तो कॉलेज क्या क्या कोर्सेज प्रोवाइड करता है वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट है MTech, तो MTech आप दो ब्रांच से कर सकते हो। फर्स्ट है पावर सिस्टम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। सेकंड है MBA, तो MBA आप मार्केटिंग, फाइनेंस, HR, बिजनेस एनालिटिक्स, ऑपरेशन, हेल्थ केयर सिस्टम।
थर्ड है बीटेक सिविल इंजीनियरिंग मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल ईसीई सीएससी एंड आईटी, पॉलिटेक्निक सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल ईसी एंड सीएससी। इस चारों ही कोर्स में आप लोग एडमिशन ले सकते हो। अभी बात कर लेते हैं एडमिशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। तो बीटेक फर्स्ट ईयर के लिए एलिजिबिलिटी है WBJ एंड JEE मेंस का वैलिड रैंक कार्ड आपके पास होना चाहिए, एंड उसके साथ साथ आपको स्पेशल मेरिट कम्स मेंस स्कॉलरशिप मिलेगा 240,000 का, सालाना 60,000 आप लोगों को मिलेगा। टोटल 4 इयर्स में 240,000 का आपका स्कॉलरशिप मिलेगा बीटेक फर्स्ट ईयर में। बात करते हैं बीटेक लैटरल का, तो AICTE अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट से आपका डिप्लोमा होना चाहिए, उसके साथ आपका जिलेट का वैलिड रैंक कार्ड अगर है तो भी होगा, अगर नहीं है तो भी होगा, एडमिशन कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके साथ आपको टोटल स्पेशल मेरिट कम्स मेन स्कॉलरशिप मिलेगा, टोटल 180,000 का, सालाना 60,000 आप लोगों को मिलेगा। और एमटेक के लिए आपको गेट या पीगेट क्वालिफाइड करना चाहिए, ठीक है। तो अभी बात करते हैं बीटेक एंड बीटेक लैटरल हर एक ब्रांच में कितने इंटेक कैपेसिटी है। तो आप लोग देख सकते हैं बीटेक इन सीएससी में टोटल 180 इंटेक कैपेसिटी है, एमबीए आपको देखने को मिलेगा 28 फैकल्टी आपको देखने को मिलेगा, ईसीई में 16 इंटेक कैपेसिटी है, एनबीए देखने को मिलेगा नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन 23 फैकल्टी देखने को मिलेगा, मैकेनिकल में 16 इंटेक कैपेसिटी है, एनबीए भी है 22 फैकल्टी देखने को मिलेगा, सिविल में 16 इंटेक कैपेसिटी है बट एनबीए नहीं है 22 फैकल्टी देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रिकल में 16 इंटेक कैपेसिटी है, एनबीए है 17 फैकल्टी देखने को मिलेगा, और आईटी न्यू ब्रांच है तो 16 इंटेक कैपेसिटी है और एनबीए अभी तक नहीं है, आ जाएगा डोंट वरी, एंड 5 फैकल्टी देखने को मिलेगा आईटी में। ये नया ब्रांच है इस कॉलेज में, ठीक है। तो अभी देखते हैं इस कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर कैसा है। तो बीटेक फर्स्ट ईयर के लिए आपको टोटल 384,350 रुपीस देना पड़ेगा, एडमिशन के टाइम 67,000 देना पड़ेगा, एंड हर एक सेमेस्टर में आपको 45,200 देना पड़ेगा, ठीक है। बीटेक लैटरल एडमिशन के लिए आपको 277,900 रुपीस आप लोगों को फीस देना पड़ेगा इस कॉलेज में, बट आपको कॉलेज से ही 1 लाख का स्कॉलरशिप मिलेगा। सो 277,000 से 1 लाख माइनस कर दोगे तो आपको अप्रोक्स 1,80,000 का आएगा आपका फीस, ठीक है, 1,70,000 या 80,000 का ही आएगा आपका टोटल कोर्स फी, ठीक है। अभी बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चन करेगा कि ऐसा क्यों, तो ये जगन्नाथ गुप्ता फैमिली ट्रस्ट से दिया जाता है 1 लाख का स्कॉलरशिप, सो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो 277,000 है वो 1,70,000 या 1,80,000 का हो जाता है, ठीक है, कोर्स फी बीटेक लैटरल का। एंड डिप्लोमा फर्स्ट ईयर के लिए 1,30,000 टोटल कोर्स फी है, 32,000 आपको एडमिशन का टाइम देना पड़ेगा, एंड 18,000 आपका पर सेमेस्टर देना पड़ेगा, ठीक है। अभी बात करते हैं वोकलेट, वोकलेट के लिए 95,000 कोर्स फी है, 23,000 आपका एडमिशन का टाइम देना होगा, एंड 23,000 आपका टोटल सेमेस्टर में देना पड़ेगा, ठीक है। अभी बात करते हैं एमटेक के लिए, तो एमटेक 2,20,950 का कोर्स फी है, तो एडमिशन का आपको 59,000 देना पड़ेगा, बाकी सेमेस्टर में आपको 52,54 देना पड़ेगा, ठीक है। अभी बात करते हैं एमबीए, तो एमबीए का करते हो 3,06,950 देना पड़ेगा, एडमिशन का आपको 98,000 देना पड़ेगा, एंड पर सेमेस्टर आपको 70,000 अप्रॉक्स पड़ेगा, ठीक है। तो अभी आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लेसमेंट रिकॉर्ड। तो प्लेसमेंट आप लोग देख सकते हो लास्ट 3 इयर्स का 18, 19 एंड 20, तो 18 में टोटल प्लेसमेंट हुआ था 120 स्टूडेंट्स का, 19 में हुआ था 152 का, एंड 20 में हुआ था 125 का। अभी तक वेबसाइट में 21 एंड 22 का कोई अपडेट नहीं है। 18 में 76% स्टूडेंट प्लेस्ड हो गए थे, 19 में 82% प्लेस्ड हो गया था, एंड 20 में 80% प्लेस्ड हो गया था, ठीक है। और ये था आपका WBJEE का एकदम फाइनल जो परसेंटेज आप लोग देख सकते हो, 19 में 82% मैक्सिमम सिटी से गया था 10 लाख का पैकेज, एवरेज सिटी से 3 लाख, 18 में 76% गया था 9 लाख मैक्सिमम सिटी से था, 2,40,000 एवरेज सिटी से था, एंड 17 में 70% हुआ था, 6 लाख मैक्सिमम सिटी से था, एंड 2.3 LPA एवरेज सिटी से था, ठीक है। आप लोग देख सकते हो बायजूस में 10 लाख का पैकेज गया था, बीटेक इन मैकेनिकल सीएससी ईसी इलेक्ट्रिकल सभी को मिला था, ठीक है, 10 लाख का पैकेज। और ICICI बैंक में आप लोगों को मिला था 3,26,000 का पैकेज, और आप लोग देख सकते हो इंडस नेट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड को मिला था, ये 5 स्टूडेंट को मिला था, ठीक है। सो आप लोग अगर बोलते हो प्लेसमेंट कैसा है, तो मैं बोलूंगा एवरेज प्लेसमेंट है, बट प्लेसमेंट हो जाता है एवरेज चला जाता है 3 लाख, 3,50,000 एंड 4 लाख, 5 लाख ऐसा जाता है, बायजूस आता है तो 10 लाख जाता है, ठीक है। और हाईएस्ट अगर बायजूस का लेवल जाता है तो 6 लाख जाता है हाईएस्ट, ओके। तो एवरेज एकदम प्लेसमेंट बहुत ही एवरेज देखने को मिलेगा, बट इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टूडेंट लाइफ लैब फैसिलिटीज आपको बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा इस कॉलेज में, बाकी सब कुछ ठीक ठाक ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बात करते हैं अगर आप WBJEE के थ्रू आते हो तो आपको कितना रैंक लाना पड़ेगा, तो विद इन 30,000-40,000 अगर लाते हो तो भी आप लोगों को मिलेगा इस कॉलेज में, और अगर आप जिलेट के थ्रू आते हो तो आपको अगर 4,000-5,000 भी आ जाता है रैंक तो भी आप लोग एडमिशन ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है काउंसलिंग के थ्रू, ठीक है। ठीक है, सो इतना ही था वीडियो में, तो वीडियो अगर अच्छा लगता है तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब कर, तो मिलते हैं नेक्स्ट, बाय, टेक केयर।